गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो 6D का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको दिया है एन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। इज स्टेटमेंट इज, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ट्राइंगल का एक एंगल, एंगल माना कोई सा भी एंगल, क्या 180 के बराबर होता है। कह रहा है त्रिभुज का एक कोण 180 है, क्या यह सत्य है या असत्य, ट्रू हो या फॉल्स। स्टूडेंट हम जानते हैं, वी नो दैट, जो भी हमारा ट्राइंगल का 3 एंगल होते हैं, उन तीनों का सम कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ तो कह रहा है सिर्फ 1 एंगल क्या 180 के इक्वल, तो स्टेटमेंट कैसा है, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हमें दिया है एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल ऑफ ट्राइंगल दिया है 1:2:3। तो इसमें हमें एंगल की माप मेज़र निकालना है, एंगल तीनों एंगल्स की मेज़र्स या माप निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो हमको जो दिया है सॉल्व करेंगे, एंगल ए मान लिया, एंगल बी और एंगल सी, 3 रेशियो के आप वैल्यू कितने दिया, 1:2:3। तो हम इन रेशियो को अलग करेंगे, जब हम रेशियो को अलग करते हैं तो इसमें कोई कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो एंगल ए की वैल्यू 1x होगी, एंगल 2 की वैल्यू कितनी, एंगल बी की वैल्यू होगी 2x, और एंगल 3 की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू होगी 3x। ओके स्टूडेंट, तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का योगफल, इन तीनों एंगल्स का प्रोडक्ट कितना होता है, सॉरी सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। तो इसमें एंगल ए और बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल ए की वैल्यू एक्स प्लस एंगल बी की वैल्यू है 2x और एंगल सी की वैल्यू है 3x इजिकल टू 180। ओके स्टूडेंट, तो इसे ऐड करेंगे तो इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे जो जाएगा हमारा 6x इजिकल टू 180। यहाँ पे हम 6 का डिवाइड देंगे 180 में, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 30। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 30। अब हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एंगल ए की वैल्यू होगी 1x इजिकल टू 30। तो एंगल ए की वैल्यू हमारी 30 डिग्री हो जाएगी। और एंगल बी फाइंड करेंगे, एंगल बी हमारा 2x, तो एंगल 2x 2 × 30, एक्स की वैल्यू 30 रखेंगे तो जो आएगा 60 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू हमारी 60 डिग्री हो जाएगी। और एंगल सी है हमारा 3x, तो 3 की वैल्यू ऐसी और x की वैल्यू कितनी 30, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारा आएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री और एंगल ए सी की वैल्यू 90 डिग्री, और तीनों का एडिशन हमारा 180 होगा। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3D क्वेश्चन, हमको दिया है द सम ऑफ द फर्स्ट टू एंगल्स है उसकी वैल्यू क्या दी है 108 एंड द सम ऑफ द लास्ट टू एंगल, जो लास्ट के टू एंगल हैं उनका सम दिया 132, तो फाइंड द एंगल, हमको एंगल फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे, तो लेट द, तो स्टूडेंट 3 एंगल्स मान लेंगे हम, लेट द 3 एंगल्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट टू, जो हमारे फर्स्ट टू एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना है दोनों का, दिया है 108, इन दोनों का सम दिया है हमें 108। ओके स्टूडेंट, तो इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, और कह रहा है लास्ट टू एंगल्स, तो लास्ट टू एंगल्स हमारा क्या होगा, एंगल बी और सी, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू हमारे पास कितना है, इन दोनों का सम कितना आएगा, 132 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो इसे सेकेंड इक्वेशन मांग लेंगे, और हमको फाइंड करना है एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो हमें एंगल ए और एंगल प्लस एंगल बी की वैल्यू दिया है, तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू इसमें कितनी पुट कर देंगे, 108, और प्लस एंगल सी एज इट इज रहेगा 180, और 108 को हम रिप्लेस करेंगे तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस का 108, तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 2 बचेगा, ये 7 बचेगा, तो 72, तो एंगल सी की वैल्यू फाइंड हो गई है 72। ओके स्टूडेंट, तो एंगल सी की वैल्यू हम किस में, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमें एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी, तो हम देखेंगे
तो स्टूडेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, एंगल सी की वैल्यू है कौन सी एंगल, एंगल टू में पुट कर देंगे। तो एंगल टू हमारा था एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 132। इसमें एंगल सी की वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल बी प्लस 32 इज इक्वल टू 132। 72 को रिप्लेस करेंगे तो 132 माइनस का 72, एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और ये 13 में से एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब हमें एंगल बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल बी का मान वैल्यू हम किस में, एंगल फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो हमारे पास एंगल फर्स्ट था क्या, एंगल ए प्लस का एंगल बी इज इक्वल टू 108। तो एंगल बी की वैल्यू पुट करेंगे, एंगल ए प्लस का एंगल बी की वैल्यू 60 है। तो स्टूडेंट एंगल बी की वैल्यू क्या है, 60 इज इक्वल टू 108। तो 60 को रिप्लेस करेंगे तो जाएगा 108 माइनस का 60, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी तो माइनस कर देंगे 68 में से 08 तो 8, जो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 48 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से तीनों एंगल फाइंड हो गए हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमको दिया है एंगल ए माइनस एंगल बी की वैल्यू दिया है 15। इसी तरीके से एंगल बी माइनस एंगल सी की वैल्यू दिया है 15। तो हमको एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो स्टूडेंट मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन को मानेंगे सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो वी नो दैट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का योगफल कितना होता है, एडिशन 180 के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, तो हम एंगल ए से इसको एंगल मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। तो एंगल इक्वेशन वन से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन वन क्या है हमारी, एंगल ए इज इक्वल टू 50 माइनस वी रिप्लेस होगा तो प्लस का एंगल वी। तो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आ गई है और इस एंगल ए की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड में हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस एंगल बी। तो ए की जगह हमने ये रख दिया 15 प्लस एंगल बी और एंगल बी एज इट इज़ रहेगा और प्लस का एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 एंगल बी प्लस का एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो वही माइनस का हो जाएगा, तो 100 में से माइनस का 15 करेंगे तो ये बचेगा 5 और ये 7 6, तो 165 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसे एंगल इक्वेशन 4 मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो स्टूडेंट जो हमारा इक्वेशन 4 थे और ये इक्वेशन सेकंड था हमारा, इक्वेशन सेकंड क्या था, एंगल बी माइनस एंगल सी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड प्लस का इक्वेशन फोर्थ को हम करेंगे दोनों को प्लस। तो हमारा इक्वेशन सेकंड था एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 15 और हमारा एंगल फोर क्या है, इक्वेशन फोर 2 एंगल बी प्लस का एंगल सी इज इक्वल टू 165। तो इसे ऐड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 3 एंगल बी इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा 180। तो 3 का डिवाइड देंगे 180 में तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 60। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास एंगल बी की वैल्यू फाइंड हो गई है। इसी तरीके से बी की वैल्यू इक्वेशन किस में रखेंगे, फर्स्ट में। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट था एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 15। तो इसमें एंगल बी की वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल ए माइनस का 60 इज इक्वल टू 15, माइनस 16 रिप्लेस करेंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू जो हो जाएगा 75। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 75 और एंगल बी की वैल्यू आ गई 60। अब हम निकालेंगे एंगल सी की वैल्यू। तो एंगल सी की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या था, एंगल ए माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 15। तो इसमें हम किसकी वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 15। तो सी को रिप्लेस करेंगे तो एंगल बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 60 और 15 को रिप्लेस करेंगे तो माइनस 15 इज इक्वल टू, और एंगल सी को रिप्लेस करेंगे तो प्लस का एंगल सी। तो इस तरीके से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 5 बचेगा और ये 4। तो आंसर आ जाएगा एंगल सी की वैल्यू 45। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमने एंगल बी ए की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू
फाइंड कर ली है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू।